अभी हम यहाँ से सारू मारू की जो बौद्ध गुफाएं हैं वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि टेढ़े मेढ़े रास्ते आ गए हैं, और आप देख सकते हैं कि बाइक वाला भी जा रहा है, और हम काफ़ी जल्दी ही पहुँचने वाले हैं। और आप देख सकते हैं एमपी के अंदर गायों की भरमार है, रोड पर घूम रही हैं आवारा की तरह, और कोई देखने वाला नहीं है। इन स्तूपों के अंदर बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे हुए हैं। चलिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं। अभी हम ऊपर चलकर देखेंगे कि वहाँ पर सम्राट अशोक के समय जो लिपियाँ लिखी गई थी वो इन पहाड़ों में हैं। चलिए हम देखते हैं एकदम बारीकी तरीके से, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो लिखी हुई है, ये जो लिपि है जो सम्राट अशोक के समय लिखी गई थी, इसलिए जहाँ भी आप देखोगे वहाँ पर आपको बुद्ध के अवशेष, बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष, ये सभी मिलेंगे, और जितनी भी जानकारियाँ हैं सब इस तरीके से पत्थरों पर लिखी हुई चलो पर मिलेगी। जहाँ भी जाने, जब सब जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे। हैं? और तो यहीं से जा तो रहे हैं। अरे जो आदमी जो जहाज कर सकता है वहां से तभी तो सकता है। ने सारू मारू की जो प्रसिद्ध जो चिन्ह हैं वो आपने देखे हैं, अभी मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये पहाड़ हैं, और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। देखिए, और अभी हम चलेंगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जहाँ पर भंते जी जा रहे हैं, हम उस तरफ चलेंगे। और ये शॉर्टकट मैं ले रहा हूँ, यहाँ से शॉर्टकट लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से रास्ता तो है नहीं, मगर मैं फिर भी शॉर्टकट ले रहा हूँ जिसके वजह से मैं जा सकूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा, और लंबा चलने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए शॉर्टकट ले लेते हैं। छोटा सा रास्ता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन मैं अंदर से निकल के आ रहा हूँ, और यहाँ से सीधा निकल जाऊँगा। ये आप देखेंगे कि सामने भंते जी भी चल रहे हैं, मैं भंते जी के पास पहुँचने के लिए यहाँ से बिल्कुल सबसे अच्छा तरीका यही मेरे को लगा कि शॉर्टकट ले लेते हैं। बाकी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, बाकी ज़रूरत है तो उसके हिसाब से मैंने ले लिया है, और मैं भी बस पहुंचने वाला हूं। ये देखिए काफ़ी झाड़ियां हैं, और मैं आ गया हूं शॉर्टकट से, ये रास्ते पे आ गया हूं मैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ये वो रास्ता है, और मैं भी आगे की तरफ चल रहा हूं जहां पर भंते ही जा रहे हैं, उस तरफ चलूँगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम ऊपर चल रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं अभी दो रास्ते जा रहे हैं, एक इस तरफ राइट में और एक लेफ्ट में, और भंत जी जो हैं वो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। चलिए हम लेफ्ट में चलते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो फिर काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए हम पहले ही घूम रहे हैं। और हमारे कुछ साथी हैं वो अभी पीछे आ रहे हैं, इसलिए हम तो पीछे रह गए हैं, और हम निशान के हिसाब से ऊपर चल रहे हैं। देख सकते हैं आप, साथियों अभी हम यहाँ पे आ गए हैं ऊपर चढ़ाई पर चढ़कर, और यहाँ पर भंते जी हैं। चलिए भंते जी से पूछते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए जहाँ तक भी हो, कोई भी संप्रदाय हो, मैं ये नहीं कहता कि बौद्धों का ही हो, किसी का भी हो, कि जब तक आप वहाँ पर आना जाना नहीं करेंगे, जब तक आप वहाँ पर नहीं जाएंगे, तो वो विरासत धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और लगभग 2500 सालों में तो लगभग ये ख़त्म ही हो गई थी, दोबारा से यहाँ पर खोज हुई, खोज होने के बाद दोबारा से ये निकल के आई है, तो इसको आप संभालें। और संभालने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर बौद्ध भिक्षुआएँ, यहाँ पर प्रोग्राम हो, यहाँ पर घूमने के लिए सारी व्यवस्था है, तो यहाँ पर जो सरकार जो इस समय लापरवाही भी कर रही है, तो उसको भी
कंट्रोल करने के लिए आके आप दिखाएं कि ये धरोहर हमारी है और हमें इसे बचाना है। और जितने भी यहाँ पर काफ़ी जगह, जहाँ पर मैं एक तरीके से ये भी कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बौद्ध स्तूप हैं, आपका श्रावस्ती है, कुशीनगर है, उनको संभालने का जो उस समय की जो प्रेजेंट सरकार ने किया था, वो बौद्धों की जो सरकार थी उसके अकॉर्डिंग हुआ था। क्योंकि दूसरी सरकार क्या होता है कि वो अपना ही करती है, वो दूसरे का नहीं देती, जबकि ऐसी सरकार चाहिए कि जो सबका देखे। इसीलिए आप बौद्धों की जो विरासत है उसको बचाने के लिए आप कार्य करें और यहाँ पर जो सारू मारू की जगह, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। चलिए साथी, इस समय जो आपको जानकारी मिली वो ठीक है, आगे के लिए फिर दोबारा से चलते हैं ऊपर, और भी पहाड़ियाँ हैं और उन पर जाकर जहाँ पर सारी पुत्र मौत गलायन जो बैठते थे, धम याचना करते थे, धम देशना करते थे, बौद्धों को समझाते थे, भंते जी को समझाते थे, उसी व्यवस्था पर चलते हैं। दोबारा पहाड़ी आ गई हैं, उन्हीं पहाड़ियों पर चलते हैं। चलिए, और आप देख रहे हैं आज के बहुजन गायक शशि भूषण जी भी साथ चल रहे हैं हमारे इस समय, परम शिष्य धम सेनापति सारिपुत्र महामोद ग्रायन की कर्म भूमि है। यही उन्होंने अपने शिष्यों को एक सीलवान भिक्कू बनाने का ट्रेनिंग कैंप इन्हीं गुफाओं में, जिस पहाड़ के हम ऊपर चल रहे हैं इसी पहाड़ के नीचे उनका ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, जो अब सिर्फ एक गुफा में तब्दील है, जो आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। और चलिए साथी, ऊपर चलते हैं, देखते हैं। चलते चलते पहाड़ी पे थक गए और सांस चढ़ने लग गई है। ऐसे महाकारुणिक शास्ता जिन्होंने नंगे पैर इस धरती को पैदल ही खूंदा, पैदल ही चले जहाँ भी वो गए, और ऐसी गौरवशाली विरासत हमें दी, नमन करते हैं तथागत बुद्ध को और उनके उन शिष्यों को जिन्होंने ऐसी गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली विरासत हमें दी। और आप देख सकते हैं नीचे कितनी खाई है, देखिए सांस चला हुआ थोड़ा, बस आ जाओ ऊपर भैया, वीडियो में हमारी भी ले लो। अच्छा, तुम ना आए अभी? हम आए फ्लाइंग शहर से, चलिए मारू मारू प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और यहाँ का दृश्य देखे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ऊपर चलते हैं साथियों, ऊपर देखते हैं। मेरा यहाँ तीसरी बार आना हो रहा है और जब भी आता हूँ नई ऊर्जा के साथ आता हूँ। यह नहीं देख, इधर को दिखा दो। ये दो साथी बुलंदशहर से चलकर आए हैं और सारू मारू की जो गुफा है वहाँ पर यहाँ के अनुभव लेने आए हैं, और बाद में अनुभव जाकर बुलंदशहर में बताएंगे कि कैसे लगा ये बौद्ध स्तूप, जहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इस स्तूप, इसके अंदर सारिपुत्र और मौत गलायन के अवशेष रखे हुए हैं, और यहाँ पर जो जितने भी उपासक उपासिकाएं आए हैं वो सब यहाँ पर इस स्तूप के जो है याचना करेंगे, और तीक्ष्ण पंचशील का यहाँ पर पाठ होगा। देखिए आप, बहुत भिक्खु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, भंते करुणाशील राहुल जी हैं और उनके साथ दो भिक्खु और भी हैं। आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर इस समय जो पंचशील तीक्ष्ण ये सब स्टार्ट हुआ है, और जितने भी आप देखते हैं ये समता सैनिक दल के जो सैनिक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और भी जगह मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर याचना की जा रही है। जो अस्थियाँ रखी हुई हैं, जो अवशेष रखे हुए हैं सारिपुत्र और मौत गलायन के इस स्तूप के अंदर, उन्हीं को नमन किया जा रहा है कि सम्राट अशोक द्वारा जो ये स्तूप बनाए गए हैं उनसे समाज
किस तरीके से प्रेरणादायक होगा उन सब की जानकारी आपको मिलेगी। और आप देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस स्तूप को देखने के लिए, और मैं भी यहाँ पर आया हूँ। पहली बार आने का मौका मिला है मुझे, इसलिए यहाँ पर आया हूँ और यहाँ की मैं वीडियो कवरेज करके समाज को दिखाना चाहता हूँ कि वो भी इस प्रोग्राम में अगली बार ज़रूर आए। नमो बुद्धाय, जय भीम।